सुबह जैसे कि ना ये हम दूसरा व्लॉग बना रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि आप दो दो तीन तीन व्लॉग बनाओ, तीन तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक या दो कभी कभार दो बना लेंगे। तो अभी मैं वैसे चारा उठा रहा हूँ, ये चारा ना उस मिट्टी में करेंगे मिक्स। तो अभी ना ये चारा मिट्टी में करते हैं मिक्स इस तरह, और पहले ये मैंने बहुत ज़्यादा मिट्टी भिगा दी है, सेट कर दी है चारा और मिट्टी का। तो ये काम अब है गोरी का, गोरी ने अब करेगी लेपा इसकी, और मैंने इसको माल बना के दूंगा। जब ज्यादा थोड़ा माल बन जाएगा तो उसी बाद में कोडर से उठा के गोरी को वहां भी पहुंचाऊंगा। तो अपन इसके ऊपर डालते हैं पानी, थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि इसको ज्यादा गीला करना है। तो इस तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता हूँ। अब ये चारा और ये सही हो, ये पानी जा रहा है गाइस, ये काम वाला है, कहीं नहीं जा रहा। इधर ना मिट्टी ऐसे करके मिक्स करते हूँ, ऐसे करके मिक्स कर दूंगा। ये देखो गाइस, ये देखो इस तरह ये चारा मिक्स हो जाएगा और ये मजबूत हो जाता है गाइस, बहुत मजबूत हो जाता है। गोबर और मिट्टी दोनों मिक्स करते हैं ना, उससे भी ये ज़्यादा मजबूत होता है। बारिश वगैरह की जो बूंदें ना वो ज़्यादा असर नहीं करती इस पर। दो लेपाई कर दी ना तो बहुत मजबूत हो जाएगा, नहीं गोरी? हाँ जी। क्योंकि जमी हुई मिट्टी सख्त है, ये इसको कहते हैं चिक्की मिट्टी, वो चिक्की मिट्टी ये, तो ये ना बिल्कुल मतलब पत्थर की तरह है। इसको छोड़ देंगे, जो नरम नरम है ना उसको डालेंगे। ये देखो गाइस अभी मेरे हाथ में जान लग रही है ना, वो मैं निकाल रहा हूँ, ताकि ये जो नरम नरम है ना इसको मैं इसके साथ सेट करके इधर में सेट करता हूँ। तो इस तरह ये देखो गाइस अच्छे से हमारा माल मिक्स हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह माशाल्लाह, इतना जल्दी 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 काम करना है ना। इसलिए तो हमारा घर यहाँ तक पहुँचा है, अगर ढीला ढीला काम करते ना तो अभी भी टाइम लगता। क्यों गाइस, हमने ईंटों पे नहीं बनाया, कच्ची ईंट पे भी नहीं बनाया, हमने सिर्फ मिट्टी पे बनाया, मिट्टी पे टाइम लगता है, नहीं गोरी? हाँ जी। तो ये देखो गाइस ये माल हो गया मिक्स, इधर रख दो ये माल। ये देखो गाइस अभी गोरी के लिए बहुत है, अभी मैं हाथ धुलाई करूँगा गोरी को, मैं उठा के दूंगा कोडर से, कम हो जाएगा तो उसी के बाद पहर गोरी उठाएगी तो मैं पहर से ये बनाता आऊँगा। लेकिन ये थोड़ा सा पड़ा ना ये मैं बना लेता हूँ, उसी के बाद मैं गोरी को उठा के दूंगा। कोई मुश्किल नहीं गाइस, दो मिनट का काम है, बस जल्दी जल्दी करो, काम हो जाता है पता ही नहीं चलता, और सेहत वगैरह भी अच्छी होती काम करने से। सुबह इस टाइम दिन के बज रहे हैं चार, हमारे तरफ से सभी को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज जैसे कि दूसरा व्लॉग बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा कह रहे थे, तो शाम का ना अक्सर से हम व्लॉग नहीं बनाते, तो ये व्लॉग देखना और बहुत कुछ इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हम कहते नहीं तो उसका ये मतलब नहीं आप करते नहीं हो। तो हमारे जितने बहन भाई हैं उनको ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा आगे जाए और भी हमारे जो बहन भाई हैं वो देखें। सुबह मैंने जो माल मिक्स करके दिया है वो अभी गोरी डाल रही है तगारी में, उसी के बाद ये तगारी पहली तगारी ये गोरी लेके जाएगी, उसी के बाद मैं गोरी को कोडर से उठा के वहाँ तगारी में मिट्टी दूंगा। तो गोरी ने ओसारी देगी तो जल्दी जल्दी ओसारी से हो जाएगी, तगारी हमारी फुल होने वाली है। और मिट्टी मैंने तकरीबन कोई 20 तगारी हो जाएगी गोरी? हो जाएगी 20? नहीं होगी। तो देख अबर ये जो रह गया है ना ये काम हो जाएगा शाम तक? हाँ जी हो जाएगा। ये हाथ आपके में सही है? आपके हाथ में सही है? हाँ, क्योंकि आप अगर आगे लगाओगी तो माल मैं आपको कम नहीं होने दूंगा, सही है? ये मिट्टी मैं आपको बना के दूंगा, कोडर से उधर उठा के भी दूंगा, लेकिन आपको जल्दी जल्दी देना है। ये जो तीन तरफ रहते हैं ये आपको कंप्लीट करने कर लोगी? हाँ जी कर लो। ऐसे गाइस सुबह शाम की मौसम है कमाल की लगी हुई। ये देखो सूरज कहाँ तक पहुँच गया है, अभी काम भी हमारा अच्छा खासा पड़ा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। उठा लोगी? हाँ जी उठा लोगी ना। तो अभी गाइस गोरी लेके जा रही, वो मैं लेके आता हूँ। ये मारा गाइस, इसको हम कहते हैं मारा, ये मारा है ना, वो मारे से हम जो लेपाई करेंगे ना वो प्रेस और अच्छे से होती है। ये देखो गाइस गोरी ने तगारी उतार दी है, तो अभी जल्दी जल्दी गोरी लेपाई करेगी, तो इंशाल्लाह माल में कम नहीं होने दूंगा। दो काम मेरे हैं, वहाँ से मिट्टी बना के गोरी को इधर में तगारी में डाल के दूंगा, आगे गोरी के काम। देखते हैं गाइस कितने काम होता है कितने नहीं होता, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो हमने जो लेपाई कर दी, ये देखो गाइस कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। ये पहली लेपाई है, इसमें ना ये इस तरह होगी, थोड़ा बहुत टूटेगा गाइस, जैसे कि ये टूट गया है ना इस तरह थोड़ा बहुत टूटेगा, लेकिन दूसरी जो हम लेपाई करेंगे उसमें नहीं टूटेगा, ऐसे ही हो रही। तो इंशाल्लाह अब हमारा घर बहुत ही खूबसूरत देखने में आ रहा है, बस अभी काम रह गया है, बस अब ज़्यादा काम है ही नहीं, बस दो या तीन दिन का काम है। गाइस अब ना हम खुद थोड़े डिले हो गए, पहले जल्दी जल्दी काम करते थे और दिन में ज़्यादा काम करते थे, तो अभी काम का ज़्यादा खास टेंशन है नहीं,
तो इस तरह कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप 2-3 दिन में कंप्लीट वैसे कर देंगे। और गाइस छत पे हम ये सोच रहे हैं कि बांस की लकड़ी, जैसे ये लकड़ी ने इस तरह हम डालेंगे, सही है, इस तरह ये लकड़ी डालेंगे और ये तले 2 डालेंगे, सही है, एक तरह डालेंगे उसके ऊपर ये इस तरह डालेंगे, ये प्लास्टिक नहीं है गाइस, ये उसके ऊपर दूसरा ये तड़ा हम डालेंगे तो उसी के ऊपर हम करेंगे लेपाई। तो हम ऐसे सोच रहे हैं गाइस, ऐसे करें या कैसे करें। और गाइस आप कहोगे कि बांस की लकड़ी नहीं लगाना, आप वो गार्डर नहीं, गार्डर लोहे का गार्डर बड़ा वो लगाना, वो एक तकरीबन 20,000 करीब आता है। तो हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं कि 20,000 पे हम एक गार्डर पे खर्चा करें, तो वो अगर लग जाए तो घर हमारा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, लेकिन गरीब बंदे तो बस काम चलाना है, वही काम करेंगे। लेकिन ये बांस की लकड़ी नहीं, ये भी कुछ टाइम निकल जाएगा, 5-6 साल, तो उसी बात देखेंगे, अगर पैसा हो गया तो हम लोहे का गार्डर वो भी लेके आएंगे। अगर लोहे का गार्डर अभी हमने डाल दिया तो तकरीबन मेरे ख्याल से 10-12 साल हमें टेंशन नहीं है। तो ये कि दूसरी तीसरी साल ना हमें सिर्फ लेपाई करनी है चारों तरफ ऊपर नीचे, बाकी ये घर 20-25 साल टेंशन नहीं है। ऐसे गाइस तकबर करना तौबा है, तकबर नहीं करना चाहिए, पक्के घर गिर जाते हैं, लेकिन इसको लेपाई करते रहेंगे तो बहुत अर्से तक ये चलेगा घर। और अब ने गोरी का थोड़ा हाथ मेरे ख्याल से ज़्यादा तेज भी है, और इंशाल्लाह ये अभी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो तरफ है ना ये छोटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बैक साइड है इस पर अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। ये वाली तरफ है बैक साइड, ये बड़ी मंजिल है, ये हमारा आ जाए, बाकी ये दोनों साइड है इसका खास टेंशन नहीं है, ये बस ऐसे ऐसे दे देंगे। कितना जल्दी गोरी लेपाई कर रही है, ऐसे अगर गोरी घास चला तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2 घंटे का काम है। अभी 4 हुए, 6 बजे मेरे ख्याल सूरज ढलता है, तो सूरज ढलते ही हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस तगारी में अभी माल कम पड़ा है, अभी मैं लेके आता हूँ कोडर से, गोरी को ना यहाँ माल कम होने नहीं देना है, तो गोरी का हाथ चलता रहेगा। और ये लेपाई वाली मिट्टी है गाइस, इसको जितना नरम करके हम डालेंगे उतना ज़्यादा मजबूत होगी और उतना ज़्यादा जल्दी भी होगी, और जो लेपाई करेगा ना उसका हाथ भी मतलब वो दर्द वगैरह नहीं करेगा। तो उस वजह से अभी मैं पानी डाल रहा हूँ कि ये और ज़्यादा मतलब नरम हो जाए, तो गोरी को वो लेपाई करने में सही हो जाए, ज़्यादा तकलीफ वगैरह ना हो। तो इस तरह मैं पानी डाल के इसको नरम कर देता हूँ अच्छे से, उसी के बाद मैं पाउडर से ले कर गोरी को दूँगा। ये तो गाइस अब ना ज़्यादा तक नरम ही है, थोड़ी बहुत अगर सख्त होगी ना तो उधर मैं गोरी को लोटे में पानी दूंगा तो लोटे में वो डाल के नरम कर लेगी। तो इस तरह मैं अभी गोरी को देता आऊँगा, आपको थोड़ी देर के बाद पैर दिखाते हैं कितने तक काम पहुँचता है, कितने तक नहीं, और कितना टाइम हो जाता है। सो गोरी को मैंने पैर से माल ज़्यादा मतलब सेट करके दिया है, तो अभी एक तगारी लेके गई है, अब न गोरी को मैं उठा के दूंगा, पैर देखूँ एक दो तगारी रह गई ना पैर में माल बनाऊँ, लेकिन अब सूरज भी ढल रहा है, अभी तक ये तरफ आया गाइस, अभी उधर में चल के आपको दिखाता हूँ कितना आया। तो अभी तकरीबन शाम के बज रहे हैं 5 से कोई 20 मिनट कम में, तो अभी मंजिल बहुत दूर पड़ी है, लेकिन अभी गोरी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। सो कोशिश करेंगे लेपाई कंप्लीट करेंगे, लेकिन है अब थोड़ा मुश्किल क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। सो पैर से माल ख़त्म हो गया गोरी अभी ये एक तगारी उठा के जा रही है, अभी ये एक उठाएगी दो, तब तक मैं माल बना लूँगा। सूरज बिल्कुल अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, बस ढलने ही वाला है, कोई मेरे ख्याल से आधे घंटे में ढल जाएगा, नहीं गोरी, लेकिन काम हमारा अभी भी बहुत ही पड़ा है। सो आज भी सूरज ढल गया बिल्कुल, मतलब सूरज अब है ही नहीं, और अब ना ये मिट्टी रहती है ये हम डाल रहे हैं, ओ सारी मैंने बोल दिया, लेकिन लेपाई कह रहा हूँ गाइस, ये इतने तक आई ऐसे समझो कि अभी आधी भी नहीं आई, तो शायद ये मिट्टी पड़ी इसमें आधी आ जाए, बाकी जो आधी रहती है वो हम कल देंगे। हमने कोशिश की लेकिन नहीं दे पाए, और अभी इधर से गोरी हाथ पे दे रही है, तो कह रही है जल्दी हो जाएगी। तो बस हमने कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा काम हो, लेकिन काम तो काम है ना, वो तो टाइम पर ही होगा। और अपने वैसे गाइस हमें कोई खास जल्दी नहीं है कि थोड़ी बहुत दीवार सूख रही है और हम भी अपने सुकून से काम करें, ऐसे ही गोरी एक दो तगारी होगी वो हम गोरी को उठा के देता हूँ वो लगा दे, बाकी जो रहेगा वो कल हम देंगे। सो इधर जो माल मिक्स किया हुआ था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब ये जो मिट्टी है ना इसको कोडर से थोड़ा फेड करके ये पानी है ये मैं डाल देता हूँ, पहर सुबह हम डालेंगे, तो मेरे ख्याल से वो नौसर जो रह गई है और बहर जो लेपाई रह गई है वो भी आ जाएगी, अंदर भी मतलब आ जाएगी, ये मिट्टी बहुत बड़ी है। इसको गाइस मैं क्वार्टर से सेट करता हूँ, ये जमी हुई बहुत ऐसे लगता है जैसे पत्थर हो, वो हमने बैर फेंक दिए हैं ऊपर फेंक दिए हैं, सही है, इसको मैं इस क्वार्टर से ना तोड़ूंगा, वरना नहीं ये कल ना और ज़्यादा पत्थर हो जाएंगे। सो मिट्टी को मैंने अच्छे से हिला दिया है, और ऊपर मैंने बाल्टी भी एक दो डाल दी है, अभी ये एक पड़ी है, गोरी अभी तगारी वगैरह धुलाई कर रही है, ये करके उसी के बाद गोरी इसके ऊपर पानी डाल देगी। तो अब न सूरज बिल्कुल ढल गया, तो वैसे हमारा ये व्लॉग कैसा लगा, ऐसे नहीं कि आप बोर हो रहे हो कि बस दो दो तीन तीन व्लॉग एक टाइम बना रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, तो उस वजह से मैंने आज 2 व्लॉग बनाए। सो अब ना हाथ मुँह वगैरह कपड़े वगैरह सारे धुलाई कर दिए, और ये देखो गाइस निन्नू को भी उठा लिया, इसको हम कहते निन्नू, इसको गाइस हम कहते निन्नू, और निन्नू को भी हमने उठा लिया, तो जो
छोटी चीज होती है ना उसको हम कहते हैं निन्नू, सही है। तो इसे निन्नू को गाइस हमने उठा लिया, पानी उसके ऊपर डाल दिया है। अभी कोडर पड़ी है वो भी उठानी है, कैन उठा के मुर्गियों के गेट पे देना है। तो ये भी गोरी आ जाए और उसी के बाद आगे की साइड हमारी दीवार का नक्शा देखो गाइस, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो गई है। और ये अभी और बड़ी हो जाएगी जब हम इसके ऊपर छत डालेंगे ना, तो तकरीबन आधा फुट या फुट और दीवार ऊपर हो जाएगी। वो आपको दिखाएंगे किस तरह होती है किस तरह नहीं। सो गोरी ने कपड़े चेंज कर दिए क्योंकि गोरी के कपड़े ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि आज गोरी ने लेपाई की थी तो लेपाई में ज्यादा कपड़े खराब हो जाते। नहीं गोरी, हाँ जी मैं सुबह चेंज कर दूंगी। चेंज कर दोगी ना? हाँ। आज वाले पहनोगी नहीं? हाँ तो काम में वही पहनेगी गोरी ऐसी कह रही। तो ये देखो बेबी गाइस, और उसको ना अभी गर्म कपड़े गोरी पहनाएगी और उसी के बाद पकाएगी रोटी। रोटी तकरीबन तीन होगी नहीं गोरी? हाँ जी। तीन रोटी, दो मेरी एक गोरी की, मैं आपको पहले सेटिंग बता देता हूँ। तो ऐसे ही अक्सर होता है। तो ये देखो गाइस, ये भी रोटी वगैरह खाती है, तो अभी इसका मतलब बुत है ना वो ताकत ले रहा है अभी नहीं, ये मतलब ज्यादा तैयार है। ये देखो गाइस माशाल्लाह। और गाइस अब मैं कैन लेके आऊँगा, कैन वो पीछे पड़ा है तो मुर्गियों के गेट पे देना है, वरना मुर्गे रात को 2 बजे निकल जाते हैं, उसको ऐसा लगता है सुबह हो गई है। कैन गाइस मैंने उठा लिया, इसको भी धुलाई करना है, लेकिन अभी काम कर रहे हैं तो उस वजह से धुलाई नहीं कर रही, क्योंकि इसको धुलाई करके रख देंगे। कभी कभार पानी वगैरह नहीं, कभी कभार पानी वगैरह ख़त्म हो जाता है तो बाइक पे ये रख के भर के आएंगे। तो पहले हम ऐसे करते थे, मुर्गे देखते हैं है कि नहीं, दोनों बैठे हैं। तो अब इसको मैं ये ईटें इस तरह ऐसे में डाल दूँगा, ऊपर ये तगारी और ये डाला हुआ है तो उस वजह से निकल नहीं पाते, सुबह हम खुद ही निकालते हैं। और अब चारों तरफ गाइस अंधेरा अंधेरा हो गया है, मतलब लो लाइट हो गई, कुछ देखने में नहीं आ रहा। और अब इस व्लॉग को करेंगे इधर एंड। तो गाइस ये व्लॉग कैसा लगा, और इस तरफ का व्यू माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा हुआ है। और अभी अंदर चलते हैं। गोरी गाइस पहना रही हेड ग्लव्स वगैरह। क्या हो गया? नहीं करते ना गाइस, जैसे हम खुशगवार मतलब तबीयत के हैं, तो उस तरह बीबी भी हमारे पे ही गई है, सारा दिन हंसती रहती है, जैसे हम हंसते हैं ना इस तरह ये हंसती है। और गाइस ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट से में जरूर बताना, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए आप दोस्तों को दिखाएंगे। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी जो वीडियो ना वो बिगर सब्सक्राइब वाले बहुत देखते हैं, तो सब्सक्राइब किया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।